नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपने वॉलपेपर के बारे में तो सुना ही होगा। वॉलपेपर जो दीवारों पे लगाए जाते हैं, अच्छी डिज़ाइनिंग, अच्छे ग्राफिक्स, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स होती हैं जो वॉलपेपर के थ्रू दीवारों पर सजाई जाती है। लेकिन आपने वॉलपेपर के कुछ और यूजेस में आपको अब बताने जा रहा हूँ, जो अपने घरेलू चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग टेबल्स, बेड, उनकी प्लाई, या कोई भी बोर्ड, लैपटॉप, कंप्यूटर। ये जैसे ही पुराने होते जाते हैं, तो इनको नया लुक कैसे दे सकते हैं हम? 3D वॉलपेपर से हम इनको नया लुक दे सकते हैं। चलो, इसकी एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। जी कि मैंने अपने पीसी पे एक वॉलपेपर लगाया है। थोड़ा सा ख़राब हो गया था, पुराना हो गया था, तो लुक अच्छी नहीं थी उसकी। तो मैंने उस पर अपना पीसी पे ये वॉलपेपर लगाया है, तो आपको दिखाते हैं इसको कैसे लगाते हैं, कितना इजी है लगाना इसको, कितना अच्छा लगता है लगने के बाद। और ये हर कोई, आप भी घर पे इसको लगा सकते हो, ले जा सकते हो, सिंपली आप इसको आसानी से लगा सकते हो। ये मार्केट में 25 से 35 रुपये स्क्वायर फीट के कीमतों पर आपको मिल सकता है। छोटे पीस भी इसमें आपको मिल सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है, और बड़े पीस भी, बड़े रोल भी आपको मिल सकते हैं। 2 से 4 फुट तक के आपको रोल मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, रेट 25 से 35 रुपये स्क्वायर फीट आपको ये मिल जाएंगे। इसमें गमिंग ऑलरेडी होती है, एक लाइक स्टिकर है। इसको स्टिकर को पील करें और डायरेक्ट चिपकाएं, बहुत ही सिंपल है ये, ज़्यादा इतना टफ नहीं है। जो लोग और सोचते हैं कैसे लगाएंगे, तो ये घरेलू चीज़ों के लिए काफ़ी बेस्ट चीज़ मेरे को लगी थी, इसलिए मैंने अपने पीसी पे आपके लगा के दिखा ही रहा हूँ मैं किस तरह से लगाते हैं। ध्यान से देखें दोस्तों, जिस तरह से मैं ये कटिंग और ये चिपकाना, अब देखने में आपको आसान लग रहा है तो ये है भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं इससे। इसमें डिज़ाइन आप ये देख रहे हैं, ये मार्बल डिज़ाइन है, 3D मार्बल्स का जो डिज़ाइन इसमें आपको दिख रहा है फिलहाल। बाकी का इसमें डिज़ाइन आपको बहुत मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे, मार्केट में उपलब्ध है फिलहाल। जो ये जहाँ उपलब्ध है, मैं उसका एड्रेस आपको बता देता हूँ, कोमेर गेट चौराया बबलू रेडियम शॉप पे आपको ये अभी मिल सकता है। इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी, एक बार आए देखें। और अपने कोई भी ख़राब पड़ी प्लास्टिक, स्टील, फ्रिज का गेट होता है, जैसे कि आप हर किसी के घर में प्रॉब्लम मिलती है, फ्रिज का गेट हुआ, अलमारी की प्लाई उखड़ गई, उखड़ चुकी है, या कोई किसी चीज़ से स्टिकर निकल चुका है, जैसे कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेरा एक अलमारी है, ये लकड़ी की अलमारी है। देखिए दोस्तों, मैं अब इस पे ये आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये अब जो दिखने में कैसी है, वाइट है सिंपल। अब इसको देखिए कितनी डिज़ाइनफुल हम बनाएंगे, और बहुत ही आसान है ये करना, कोई बड़ी बात नहीं है। जितना उसके साइज के हिसाब से इसको कटिंग करें, एक बार सेट करें, देखें किस तरह से, और गौर से देखिएगा दोस्तों किस तरह से मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ, चिपका रहा हूँ। इसमें गमिंग की कोई आपको एक्सटर्नल ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें गमिंग अंदर से ही आती है, लाइक स्टिकर, स्टिकर की तरह आप इसे यूज कर सकते हो, चिपका सकते हो, बहुत ही आसान है। और इससे चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। देखो दोस्तों, अभी पूरा लगा नहीं, लेकिन फिर भी इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, मार्बल सा लग रहा है, जैसे कि स्टोन आते हैं ना मार्बल के, उसी तरह से ही। और इसमें इसकी अच्छी बात पता है क्या है, ये एक तो जल्दी गंदे नहीं होते, गंदे हो जाते हैं तो इनको आप साफ कर सकते हैं, वॉशेबल है, पानी से, सर्फ से, ब्रश से, इस तरह से इसको लगाया जाता है। देखिए, ये मेरे हाथ में स्क्वीजी है, इसको स्क्वीजी बोलते हैं, जिसको प्लेन सरफेस करने के लिए काम में आती है। इसको हाथ से भी आराम से लगा सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा कुछ है प्लेन चीज़, तो प्लेन में तो किसी आप स्क्वीजी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिंपली आप इसको हाथ से लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखो दोस्तों, क्या शाइनिंग, क्या डिज़ाइन। एक डिज़ाइन मैंने जैसे आपको पहले बताया था, एक ये डिज़ाइन और है इसमें। इस ये पीसी है मेरा, और ये अभी ये टाइल्स वाला डिज़ाइन है, आपने देखे होंगे ऐसे टाइल्स काफ़ी घरों में। तो मेरे हिसाब से इसमें टाइल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपकी वॉल्स पे अगर कोई आप यूज करते हो कोई पेंट वगैरह, तो ये मेरे हिसाब से वॉलपेपर काफ़ी अच्छे हैं। वॉल दीवार अच्छे भी हैं, सस्ते भी हैं, और लगाने में बहुत आसान भी हैं। आपको किसी को ज़रूरत नहीं है किसी को बुलाने की, या इसे कह रहे हाँ भाई ये हो, या आप खुद इसे लगा सकते हैं, और काफ़ी सस्ते हैं, 25 से 35 रुपए स्क्वायर फुट।
क्या कस्टमाइजेशन हुआ है अभी इस अलमारी का। जैसे मैंने पहले देखा था प्लेन सफ़ेद कलर की थी, आपने देखा सर। अब देखें इसको कितना अच्छा लुक आ रहा है। इसको आप एक्स्ट्रा जो भी पार्ट होता है उसको आप ऐसे ब्लेड से कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप बाद में कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप फिक्स पहले ही कटिंग करके निकाल सकते हैं उतना ही जितना आपको ज़रूरत है। ये कटर आप यूज कर सकते हैं या फिर ब्लेड भी कर सकते हैं, लेकिन ये कटर थोड़ा चीज़ें थोड़ा अच्छा करता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 10 रुपये का कटर आता है। इसको आप ले सकते हैं, घरेलू यूज में काम आ जाता है, बच्चों के पास मिल भी जाता है आजकल पे। अब देखिए इससे नीचे वाली रैक में जो करने वाला है उसका डिफरेंट डिज़ाइन है, ये थोड़ा वुडन में है। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है ये वुडन में। इसी को भी सेम इसी तरह जो अभी हमने इसको लगाया था इसको हम दोबारा लगाएंगे। यहाँ पे नीचे वाली है ये अलग, ये मैंने अपनी अलमारी कस्टमाइज कर दी है। देखिए दोस्तों कस्टमाइजेशन करने का मज़ा बहुत अलग होता है। एक तो ऐसे जो को कस्टमाइज कोई भी चीज़ हम कस्टमाइज करते हैं जो अपनी होती है तो वो उसमें इतना एन्जॉय फील होता है, करने में मज़ा आता है। ये वुडन डिज़ाइन है अपना जो कि आपने अभी 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 आपने तीन डिज़ाइन तो आपने अभी देख ही लिए। ये ऊपर है टाइल्स वाला डिज़ाइन, ये नीचे है वुडन वाला, और जो मैंने जो कैबिनेट पे किया था CPU की कैबिनेट पे जो किया था वो था मार्बल स्टोन्स जो होते हैं 3D, वेरी इजी टू अटेम्प्ट। कोई ऐसा है नहीं है इसमें, बबल्स की इसमें शिकायत नहीं आती है, अगर आप ठीक तरीके से लगाओगे तो बबल्स वगैरह बिल्कुल नहीं आते हैं। वैसे ये ऑटोमेटिक है ही, बबल्स फ्री है तो बबल्स आते नहीं हैं। अगर आप ठीक अगर आप स्टिकर वगैरह लगा सकते हो तो ये भी आप आसानी से लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए दोस्तों पूरी अलमारी का लुक चेंज हो चुका है, कस्टमाइज कर दी है। कस्टमाइजेशन में जो होता है ना ये होता है कि हम अपने हिसाब से कोई भी चीज़ कस्टमाइज करते हैं तो उस चीज़ का अलग ही चीज़ है। और घर में हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनको ज़रूरत है अभी ऐसे मेक ओवर करने की, जिनको जैसे कि आपकी टीवी की बॉडी है, कंप्यूटर टेबल्स जो ख़राब हो चुकी हैं जिनके ऊपर से रंग उड़ चुका है या फिर कुछ भी। देखो दोस्तों कितना शानदार है, ये मेरे घर का फ्रिज है, जो घर के फ्रिज के जो गेट है जो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये साइड में देखी है, ये डिज़ाइन आपको नेचुरली मिल नहीं सकते लेकिन ये वॉलपेपर में अवेलेबल होते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है, साइड में देखिए और फ्रिज का गेट देखिए, ये वही गेट यही वही वाला सीट यूज किया है जो मैंने PC की कैबिनेट पर यूज किया था। और एक डिज़ाइन ये आपके साइड में वाले में देख सकते हो आप, ये भी डिज़ाइन आपको बहुत सारे डिज़ाइन है डिज़ाइन को, तो एक ये डिज़ाइन देखिए ये दीवार पे किया गया है। दोस्तों इसकी खास बात एक और है, ये है कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पे अगर इस चीज़ को लगाते हो वहाँ पर अगर अर्थिंग वगैरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस पर अर्थिंग वगैरह बिल्कुल नहीं आती है, इसको लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था ये दीवार पे भी हमने लगाया है, ये दीवार का अलग डिज़ाइन है मार्बल वाला। तो दोस्तों कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों ये हमारे मार्केट में उपलब्ध है, बबलू रेडियम आर्ट की शॉप पे आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। बहुत सारे डिज़ाइन में आपको मिल जाएगा, वुडन टाइल्स स्टोन्स प्लेन बहुत सारे डिज़ाइन हैं। 25 से 35 रुपये स्क्वायर फिट आपको मिल सकता है, कितना भी आप ले सकते हैं आपकी आवश्यकता अनुसार, छोटी चीज़ के लिए ले सकते हो, बड़ी चीज़ के लिए ले सकते हो। धन्यवाद।